कोई है? कौन है? रुको उधर ही, दूध पिलाऊंगा। बहुत साल पहले एक राजकुमार था। शैतान बिल्ली ने राजकुमार को चूहा बनाकर उसे खा लिया। क्या ये कहानी सच है? हाँ, बिल्कुल सच्ची है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अभी इस कहानी पे विश्वास नहीं है, लेकिन कल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इस कहानी को कल किसी एक इंसान को नहीं सुनाया तो तुम भी चूहा बन जाओगे। चूहा? मैं? नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या डरावना सपना था? ये सपना ही था क्या? सच? नहीं नहीं, सच कैसे होगा? मैं तो घर पे हूँ, पर ऐसे कोई बिल्ली पंजा वंजा थोड़ी मारती है। पंजा असली में मारा है? इसका मतलब वो सपना सपना नहीं, सच था। मोंटू, पहली बार किसी हाथी को इस सपने में एक बिल्ली से डरते हुए देखा। सपने में अगर डर रहा था तो चीता या शेर से डरते। बिल्ली से डरने की क्या जरूरत थी? सपने में भी अपनी नाक कटवा ली। हमें भी तो बता, तू इतना क्यों हंस रहा है? हाँ हाँ, हम भी तो थोड़ा हंस ले मोंटू पर। हंसना है? अभी हंसता हूँ। तुम लोग की तो आदमी से क्या डर रहे हो? ये तो बिल्ली से डरता है। हो गया आज के? तो चुपचाप मेरी कहानी सुन, जो मैंने सपने में सुनी थी। उस शैतान बिल्ली ने कहा था मुझे सपने में, अगर ये कहानी मैंने आज किसी को नहीं सुनाई तो मैं चूहा बन जाऊंगा। ठीक है, बस सुना। एकदम अच्छे से कहानी सुना ना, जिससे मुझे बहुत मजा आए और मैं बहुत हंसू। सुना सुना, बस सुना। एक राजकुमार था, फिर उस शैतान बिल्ली ने उस राजकुमार को चूहा बनाकर वो खा गई। बॉस, अरे मोंटू बॉस का बैग तो यहाँ पे ही है। बॉस कहाँ गए? मोंटू बॉस, बॉस! अरे मेरी आवाज सुन, मैं यहाँ हूँ बैग के नीचे। मम्मी, ये कैसे हो गया रोहित? मैंने तो तुझे कहानी सुनाई थी, फिर मैं चूहा कैसे बन गया? इस बार तो मोंटू बॉस सच में चूहा बन गए।
देखा आपने कैसे मेरे शातिर दिमाग के शातिर चाल में बच्चे फंसकर चूहे बनते जा रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत शुरुआत नहीं, अंत चाहिए मुझे। वो भी बाल वीर, बाल मित्रा, बाल सखी का। हमारी इन बेकार की चालों में कोई मामूली सा बच्चा फंस जाए, ये देखने की या सुनने की कोई इच्छा नहीं है मुझे। तीन दिन का समय दिया था ना तुम्हें, जो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, इसलिए मेरे सामने अपने गुण गान गाने के बजाय जाओ और बालवीर और उसके साथियों को अपने जाल में फंसाओ और चूहा बनाओ। और जब तक ऐसा नहीं कर लेते, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और याद रहे, तुम्हारी ये म्याऊ राजकुमारी वाली चाल से कोई चूहा बने या ना बने, लेकिन अगर तुमने बालवीर और उसके साथियों को चूहा बनाकर समाप्त नहीं किया, तुम्हें तुम हमेशा हमेशा के लिए चूहा बना दोगे, वो भी मर्क्यूरी से बना चूहा, क्योंकि प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। जानती हूँ कि तुम्हारे ये बेकार दिमाग में मेरी चूहे वाली तस्वीर बन रही है ना? है, तुम तो जानती हो मुझे तो बहुत अच्छे से। लेकिन प्रचंड का शातिर परी को नहीं जानती। शातिर परी के शातिर दिमाग में जब शातिर चाल चलती तो खाली नहीं जाते। बालवीर और उसके साथी जरूर मेरी चाल में फंस कर चूहे बन जाएंगे, देखना था। सुनो दोस्तों, बालवीर चाहे मोंटू को कितनी भी सजा दे दे, पर मोंटू नहीं सुधरने वाला। और मुझे पूरा यकीन है मोंटू हमें सताने फिर से आएगा। इसलिए जब रोहित और मोंटू वापस उस खिलौने को लेकर आए, तब हम उस खिलौने को ही तोड़ देंगे। हाँ। देखो मोंटू बस चूहा बन गए। तू फिर आ गया हमें बेवकूफ बनाने, पर अब हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। देखो तुम चाहो तो मोंटू बॉस से पूछ लो। अरे बॉस बताओ ना, मैं तुम्हें यहाँ कोई पिक्चर दिखाने नहीं ला, बोलो। हाँ मैं सच में चूहा बन गया हूँ, प्लीज जल्दी बालवीर जी को बुलाओ और मेरी मदद करो। देखो ये मोंटू फिर से अपनी आवाज निकाल कर हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। हम तेरे चक्कर में नहीं फंसने वाले। दोस्तों देख क्या रहे हो, अटैक। अरे बाप रे, ये तो मुझे तोड़ने आ रहा है खिलौना समझकर। भागो। आज मोंटू को समझ आ गया होगा कि वो हमें बार बार बेवकूफ नहीं बना सकता। एक बार हाथ में आ जाए वो खिलौना। बालवीर जी ने सही कहा था, जब तुम झूठ मूठ का शेर आया कहोगे, तो जब सच में शेर आएगा तो कोई तुम्हारे बात पे विश्वास नहीं करेगा। अरे अब मैं क्या करूं? अरे वो मोंटू बॉस है, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। इतना तो मैं ऐसे ही मोंटू होकर भागता तो वैसे ही हाथी से चूहा बन जाता, पर अब मैं भाग भाग कर थक गया हूँ, अब और नहीं भाग सकता हूँ। अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हो रहा है क्लास में? सर, हम चूहा पकड़।
पकड़ रहे थे। चूहा क्या पकड़ना है? छोड़ो ये चूहा हुआ। और किताबों को छुओ, किताबों को छुओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो चलो बैठो सब, चलो ठीक है, आज मैं भी खड़े खड़े पढ़ाता हूँ। सर ये सब तो मेरी बात नहीं मान रहे, कम से कम आप तो मेरी बात मानो, क्योंकि जो क्लास में हमारे चूहा है ना, वो चूहा नहीं तो क्या डायनासोर है? अरे नहीं नहीं, वो हाथी है, मतलब मोंटू बॉस है। मैं कुछ समझा नहीं, मतलब मोंटू चूहा कैसे बन सकता है? मोंटू चूहा नहीं बना, बल्कि हाथी के शरीर में वो चूहा ही था। हाँ वो हमेशा हमें डराता रहता है, लेकिन जैसे कुछ होता है सबसे पहले वही भागता है। एकदम करेक्ट। हाँ जैसे चूहे गंदगी फैलाते हैं, वैसे ही वो चीजें यहाँ वहाँ फेंक कर स्कूल को गंदा करता है। जैसे चूहा धीरे धीरे चीजें कुतर कर खा जाता है, ठीक वैसे मोंटू हमारे दिमाग कुतर कर खा जाता है। हाँ वो हमारा खाना खा जाता है, और जैसे ही हम बालवीर को बुलाते हैं तो चूहे की तरह दुम दुमा कर भाग जाता है। इन बच्चों ने भी हमारा मजाक उड़ाया है, हमारी बुराई की है। ये हमें डरपोक समझते हैं ना, अब हमारी रानी इन तभी सलाह देंगी। क्या हुआ? हमें चाहिए वो। मियाव रानी समझ गई है कि तुमने सारे शिकारों की सूची बना ली है और चाहते हो कि हम जल्दी ही उन सबको चूहा बना दें। बनाएंगे सबको चूहा बनाएंगे। माफ करना, छोटी पूछ और बड़ी बात कर रहा हूँ मियाव रानी, पर अभी भी समय है मियाव रानी, रुक जाइए, बदल दीजिए इंसानों को चूहा बनाने का अपना फैसला। हमें फिर से गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, वरना इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। चूहा मल, तुम एक कायर हो, और तुम जैसे चूहों की वजह से धरती पे सब चूहों को डरपोक समझते हैं। दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से, जाओ। ये जाओ तुम्हारे लिए भी था शातिर परी, जाओ और करो हमारे लिए इंसानों का शिकार। और हाँ मुझे यही बच्ची चाहिए, क्योंकि इन्होंने चूहों का अपमान किया है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा म्याव रानी, बहुत जल्द ये बच्चे चूहे बनकर तुम्हारे पास होंगे। ऐसा हुआ शातिर परी, तो तुम्हें भी वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारे तीनों दुश्मन बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र को मैं चूहा बनाकर खा जाऊंगी। पापूजी, चूहे दानी अच्छे से लगाना। यहाँ पर हो गई, यहाँ पर भी मैंने रख दी और रूम में भी रख दिया। अब ये भी लगा ही देते हैं। इसे ना डाइनिंग टेबल के नीचे लगा देंगे। बच्चे भी आ गए, बच्चों तुम भी जल्दी हमारी मदद करो चूहा पकड़ने में। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, यहाँ तो चूहे को पकड़ने की पूरी तैयारी हो रही है, मैं तो बैग से बाहर ही नहीं निकलूंगा। ये खाने की स्मेल कहाँ से आ रही है? खाना देखते ही मुझे भूख लगने लग गई है, अभी जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे पकड़ लिया तो? पर मैं रुक नहीं सकता, वो सारा खाना मुझे बुला रहा है। मैं कुछ खाने के लिए भी लेकर आती हूँ, खाना रखेंगे तो चूहे जल्दी आ जाएंगे। अरे काम करो तो चूहे को पकड़ो फटाफट, और तू चूहा पकड़ने वाला देना। सब संभाल के ये लीजिए बाबूजी। अरे 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 अ
कहाँ है ये चूहे? तेरी वजह से मेरे बापूजी के चेहरे के ऊपर चूहा पकड़ने की जाली चिपक गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या अंकल, गलती आपकी है और सजा मुझे दे रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। हाँ बापूजी। काटा बापूजी, चूहे ने मुझे काटा। ये निकालो। ये आसानी से निकल गया। अच्छा फंस गया था लेकिन बड़ी मुश्किल से अभी बचा हूं, पर आगे कैसे बचूंगा? पूरे घर में इन्होंने माउस ट्रैप लगा दिए। उस चूहे ने तो बहुत ही थका दिया। रुक मैं, वहां मत बैठना। क्यों? अरे तुझे पता है ना वो मेरे पढ़ने की जगह है, तो फिर तू वहां पे क्यों बैठ रही है? ओ हेलो, मम्मी पापा ने बोला है कोई भी किधर भी बैठ के पढ़ सकता है। ओके, डोंट डिस्टर्ब। बड़ी आई मुझे बोलने वाली, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, ये मेरी जगह है और मैं ही यहाँ पे बैठूंगा। मैं यहाँ बैठूंगी। मैं बैठूंगा? अरे मानव, मैंने बोला ना मैं यहाँ बैठूंगी। सुपर हीरो बन गए लेकिन अभी भी बच्चे जैसे ही लड़ते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे जैसे ही लड़ेंगे। नहीं, पहले मुझे बैठना है। मैं यहाँ बैठूंगी, मैं हमेशा यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता हूँ। मानव मेहर, क्या तुम दोनों इस चेयर पर बैठने के लिए झगड़ा कर रहे हो? नहीं तो? नहीं, चलो अच्छा है, इस चेयर पर अब मैं बैठ कर आराम से पढ़ाई करूंगा। दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर का फायदा हो गया। अब शुरू होगा बच्चों के सपनों, म्याव रानी का चूहे बनाने की जादुई कहानी डालने का खेल। उसके बाद ये बच्चे बन जाएंगे चूहे। अब भुगतो। छोड़ूंगा नहीं मैं। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
अरे ये तो मेरा रूम है, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने आपके रूम में चूहे को आते हुए देखा था। दोनों मिलके अभी चूहे को ढूंढते हैं। हाँ आइए। चूहे को पकड़ने के चक्कर में अपनी तो अच्छी खासी परेड हो गई। कोई बात नहीं बाबूजी, हम भी हार नहीं मानेंगे। हाँ कुछ भी करेंगे, चूहे को पकड़ेंगे, कितनी भी आपकी बैंड बज जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कहाँ छुपा बैठा है ये चूहा? टीवी अपने आप चालू कैसे हो गया? टीवी को पूछ के बताता हूँ। ये मजाक का टाइम है। हम चूहा पकड़ने आए कि टीवी देखने आए? रिमोट के ऊपर चूहा देखिए ना। ये लीजिए बाबूजी, ये लीजिए। मुझे बाल्टी क्यों दे रहा है? मैंने तो सुबह स्नान किया था। ये चूहे के लिए दे रहा हूँ। चूहे को स्नान करवाना है? बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? चूहे के ऊपर आप बाल्टी डाल देंगे, चूहा पकड़ा जाएगा ना? हाँ लेकिन चूहा अगर मेरे ऊपर कूदा ना तो मैं ऐसा भागूंगा कि कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। बाबूजी बहाने मत निकालिए, चाहिए है बाबूजी। चूहा पकड़ा जाए बाबूजी, हिम्मत मारो तो मदद खुदा। इंडिया क्या मैच जीत गया? अरे नहीं, हम लोग मैच जीत गए हैं, चूहा पकड़ा गया है। अरे वो चूहा है क्या? हाँ बाल्टी के अंदर। वाह दादाजी, दादाजी आप सुबह होते ही ना इस चूहे को जंगल में छोड़ाना। यस जंगल में? अब क्या होगा, मैं तो जंगल में किसी को जानता भी नहीं हूँ, और मैं खाऊंगा क्या? बालवीर, 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 क्या हुआ सर, आपने बुलाया मुझे? बालवीर मोंटू के फादर का फोन आया था, मोंटू कल से घर नहीं पहुंचा है। अरे सर कैसे पहुंचेगा, मोंटू बस चूहा बन गए। रोहित शरारत बंद करो, चुप रहो। एक मिनट सर, रोहित तुम क्या कह रहे थे? बालवीर जी मैं कल से सबको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोंटू बॉस चूहा बन गया, मोंटू बॉस चूहा बन गया, लेकिन कोई मेरे बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा। मोंटू चूहा बन गया, मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या था? एक्चुअली बालवीर जी मोंटू बॉस मुझे किसी बुरे सपने के बारे में बता रहे थे, जिसमें एक बिल्ली ने मोंटू बॉस को एक कहानी सुनाई और कहा कि ये कहानी तुम्हें किसी और को बतानी है, और अगर नहीं बताई तो तुम चूहे बन जाओगे। मोंटू बॉस ने मुझे ये कहानी सुनाई, फिर भी मोंटू बॉस चूहे बन गए। और तो और कल क्लासरूम में जिस चूहे के पीछे भाग रहे थे वो चूहा नहीं मोंटू बॉस थे। रोहित तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं बालवीर ये मजाक नहीं है, मेरे भी सपने में ऐसी ही एक बिल्ली आई थी और उसने मुझे भी एक कहानी सुनाई थी। क्या? एक काम करो तुम वो कहानी मुझे भी सुना। बहुत समय पहले की बात है, एक राजकुमार था। फिर उस चूहे बने राजकुमार को वो बिल्ली खा गई। बालवीर जी देखा देखा, ये तो चूहा बन गए सर।
बालवीर सोए चूहा बन गया। सर अनुराग चूहा बन गया है। बालवीर श्रुति चूहा बन गए। क्या ये क्या हो रहा है? बच्चे चूहे कैसे बन रहे हैं? कहीं ये सब उस जादुई कहानी की वजह से तो नहीं हो रहा? और वो बिल्ली कौन है जो सबके सपने में आकर ये कहानी सुना रही है? कौन है इस सबके पीछे और बच्चों को चूहा बनाकर वो क्या हासिल करना चाहता है? तुमसे बहुत खुश है शातिर परी और तुमने अपना वादा निभाया है तो मियां और रानी भी अपना वादा निभाएगी। आने दो इन बच्चों के रक्षक बाल वीर बाल सखी और बाल मित्र को मियाऊ प्रदेश में बच्चों को बचाने। मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगी। मीता मीता यार कमजोरी सी लग रही है। एक्चुअली मुझे भूख लगी है। हाँ कल रात को भी ठीक से खाना नहीं खा पा। ये चूहे ने दिमाग खराब करके रखा है। कुछ खा लेता हूँ। ये नमकीन नमकीन खाता चूहा इसके अंदर किसने डाला? आप जी स्मिता बापूजी। अरे यहाँ क्यों चिल्ला रहा है इतना? बापूजी आपने अभी तक कोई चूहा फेंका नहीं है। खबरदार किसी भी जानवर को आप बाहर नहीं फेंक सकते। आपकी तारीफ। वैसे मेरे तारीफ तो सभी करते हैं और अपनी ही मुंह से अपनी क्या कर शॉकिंग। वैसे भी छोटा मुंह बड़ी बात। तारीफ रहने दीजिए। आपका नाम बताइए। मैं महान साइंटिस्ट डॉक्टर झटका न झटका देने में मुझे आनंद मिलता है। मतलब वो किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फिर नहीं सुनना है। झटका दूं? नहीं नहीं हाँ तो सुनो। एक बार मैं ऐसे ही लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब मुझे 440 वोल्ट का झटका लग गया। तब से मेरे पूरी बॉडी में बिजली दौड़ती है। वेरी स्माइट चूहा माय टाइम इज वेरी प्रेशियस। यहाँ है चूहा यहाँ रखा है। ये चूहा इसके अंदर है। एक मिनट आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में एक मोटा चूहा है? ओह माय गॉड ये तो मैं भूल गया। आपका इस तरह आया था ना कि आपको चूहों से बहुत प्यार है और खास करके मोटे चूहे से। इसीलिए मैंने आपको फोन किया था क्योंकि इस चूहे का उद्धार हो जाए। ओह यस 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 थैंक यू माय क्यूटी बॉय। लेकिन आप मुझे ये बताइए आप इस चूहे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे ना? नहीं हम दोनों चेस खेलेंगे। कैसा लगेगा नी चूहा हाथी ऊंट सब एक साथ चेस खेलेंगे। जी वो मजाक कर रहा है। तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। आपको मुझे देख के लगता है मैं इस चूहे पे एक्सपेरिमेंट करूँ? सी माय फेस इनोसेंट इनोसेंट देखिए। ओके तो मैं चलूँ। सबको उल्लू बनाया। आई एम साइंटिस्ट मैं स्टार बनूंगा और मेरी गोलू मोलू चूहे ओ सॉरी तुम्हें भी स्टार बनाऊंगा। कहानी सुनते ही कोई चूहा बन जाए ऐसी जादुई शक्ति तो केवल मियाऊ रानी के पास ही है। लेकिन रानी परी मियाऊ रानी को तो राजा ने सजा देकर मियाऊ प्रदेश में कैद कर दिया था ना? और मियाऊ रानी का बिना अपना रूप पाए वहाँ से निकलना असंभव है। वो
सकता है कि सारी जादुई शक्तियां मियाऊ रानी की हो, लेकिन इन सब के पीछे चाल किसी और की हो। हम लेकिन बच्चों को चूहा बनाकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? और रानी परी, एक दो ही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे एक साथ चूहे बन गए हैं। और इससे पहले और बच्चे चूहे बने, हमें इसे रोकना होगा रानी परी। पर कैसे? हमें तो ये लग रहा है कि वो बच्चे कहीं दूसरी मुसीबत में ना फंस जाए। परियों, हमारे सवाल का जवाब हमें तभी मिल सकता है जब हम उस तक पहुंचे जो ये सब कुछ कर रहा है। पर हम उसके बारे में तो कुछ नहीं जानते, तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? हम उन बच्चों को तो जानते हैं जो इस समय चूहा बन चुके हैं, और इसीलिए हमें उन बच्चों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जिसने भी उन बच्चों को चूहा बनाया है वो उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश अवश्य करेगा। और फिर बालवीर, हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो है कौन और वो ये सब क्यों कर रहा है। ठीक है रानी परी, हम ऐसा ही करेंगे। क्या हुआ रोहित, तू इतना दुखी क्यों है? मोंटू नहीं मिला क्या? नहीं, इस कार्टून में सभी चूहे चेक कर लिए, लेकिन इसमें से कोई भी मोंटू बॉस नहीं है। पता नहीं बॉस कहाँ चले गए। तू इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता है कि इतने सारे चूहों में से मोंटू है ही नहीं? अरे मैं मोंटू बॉस को नहीं पहचानूंगा क्या? मैंने अपने हाथों से मोंटू बॉस मतलब उस चूहे को हाथ में पकड़ा था, और वो चूहा भी मोंटू बॉस की तरह एकदम मोटा और ताजा था, और इस कार्टून में सभी पिद्दी चूहे। मोटा चूहा? मैंने एक मोटे चूहे को देखा था। कहाँ? मानव महर के घर में। वो तो मोंटू नहीं। अरे तो चलो चलो चलो, मानव महर के घर पे जाके चेक करते। चल चल चल। बालवीर, ये देखो, ये देखो चूहों का बाप। शुक्रिया सर। बाल मित्र, बाल सिंह, हमें सावधान रहना होगा और इस बक्से पर अपनी नजर हमेशा रखनी होगी, क्योंकि ऊपरी शक्ति इस बक्से को लेने के लिए कभी भी यहाँ आ सकती है। तुम चिंता मत करो बालवीर, अगर वो बुरी शक्तियाँ आ भी गई तो ये बक्सा तो दूर की बात, वो खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। मुझे लगता है वो बुरी शक्ति यहाँ पर आ रही है, सावधान हो जा। उसे तो हमें डॉक्टर झटकानंद को दे दिया। क्या? तो तुम्हों को ऐसा इतना शॉक क्यों लग रहा है? शॉक तो वो डॉक्टर झटकानंद को लगा था ना? क्योंकि वो डॉक्टर झटकानंद साइंटिस्ट एकदम पागल है और वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता है। क्या? क्या? हे भगवान, लेकिन उसने तो कहा था कि वो चूहे को एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं लेके जा रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है महेश, तुम्हें दिया था चूहा उन्हें, आपको पाप लगेगा देखना। मुझे क्यों? अरे क्यों छोड़िए, और उस चूहे को कैसे बचाना है वो सोचिए। आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग बालवीर को बुलाएंगे, वो मोंटू को बचा लेगा। हाँ। एक मिनट, ओ ओ, ये चूहे को बचाने के चक्कर में मोंटू बीच में कहां से आया? अब कुछ बताएंगे, अभी हम चलते।
बालवीर, मैं इस बॉक्स को अपने स्थिर करने वाले शक्ति से स्थिर कर देता हूँ। नहीं बाल मित्र, रुक जाओ। हमें इस बक्से का पीछा करना चाहिए। तो इसका पीछा करने से ही हमें पता चलेगा कि बच्चों को चूहा बनाने के पीछे किसका हाथ है। अंदर चला गया। हाँ, पूरी जगह खाली है, किसी का कोई निशान तक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सन्नाटा किसी आने वाले बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ आए नहीं, बल्कि हमें फंसाने के लिए यहाँ लाया गया है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा बालवीर कि कौन सा खतरा हम सबकी ओर बढ़ रहा है? उसके लिए हमें सावधान रहना होगा। हमारा दुश्मन हम तक पहुंचे, उससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। बाल मित्र बाल से, तुम दोनों उस तरफ, मैं वहां जाकर दिखता। ठीक है बाल जी। नहीं चल रहा कि यहाँ कोई है भी या नहीं। यहाँ कोई ना कोई तो जरूर होगा बाल सखी। बच्चों को बचाने आए थे, पर अब तो बाल सखी और बाल मित्र खुद ही चूहा बन गए। बच्चों को चूहा बनाने की बहुत बड़ी गलती की है तुमने, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन आज मुझसे नहीं बच पाओगे।
NH2 no NH2 नहीं. My pain is minus. Where is my pain? Where is? क्या हम इस पागल से डॉक्टर झटकानंद के लैब में आके कोई गलती तो नहीं की ना? मोंटू को बचाने का सिर्फ यही तरीका है. सलोनी रुद, वो देखो, वो साइंटिस्ट आकर कर क्या रहा है? अरे वो डॉक्टर झटकानंद कहाँ गए? No problem. लगता है ये लास्ट वाला लिक्विड थोड़ा ज्यादा गिर गया. Okay, no. My quidified, मेरे प्यारे गोलू मोलू चूहे, अगले 30 मिनट में ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा. उसके बाद मैं महान साइंटिस्ट डॉक्टर झटकानंद झटका दूंगा, मतलब फिर से दोबारा एक्सपेरिमेंट करूंगा. ओके फाइन. नो माय गोलू मोलू प्रिटी फाइन. ओके वेट. नहीं, हम ये एक्सपेरिमेंट मोंटू बॉस पे नहीं होने देंगे, बल्कि अब शुरू होगा हमारा मिशन. मोंटू बचा. शाबाश शाबाश चूहामल शाबाश. मियाओ रानी तुमसे बहुत खुश है. हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने बाल मित्र और बाल सखी के बाद बाल वीर को भी चूहा बना दिया है. आपका आदेश था मियाओ रानी कि इन तीनों को चूहा बना दिया जाए, और आपके आदेश को पूरा करना मेरा कर्तव्य है. और तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है चूहामल. तुम्हें इसका इनाम मिलेगा. मैंने ये इनाम के लिए नहीं किया मियाव रानी. आप हमारी रानी हैं, और हर सैनिक चाहता है कि उनकी रानी पे हमला करने वाले दुश्मन की हार हो. हम अभी तक हारे नहीं है चूहामल, और ना ही आसानी से. हम तुम्हारी मियाव रानी को जीतने देंगे. ये जानकर अच्छा लगा कि अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत बची है मुझे हराने के लिए. पर अफसोस, कुछ ही समय में ना तुम्हारी हिम्मत बचेगी और ना ही तुम सब. बचोगी तो तुम नहीं मियाओ रानी. तुम्हें जो जीत लग रही है उसे हार में बदल देंगे हम. मियाओ रानी को कोई नहीं हरा सकता, और तुम तीनों देखोगे कि कैसे मैं धरती लोक से लाए 900 चूहे जो मेरी कहानी सुनकर इंसान से चूहों में बदल गए, इन्हीं चूहों को खाकर अपनी जीत का डंका चारों दिशाओं में बजाऊंगी. ऐसा ही होगा मियाव रानी. म्याओ रानी की जय हो. तो ये सब चाल तुम्हारी थी शातिर पर. तुमने ही म्याओ रानी से मिलकर धरती पे आके बच्चों को चूहा बनाया. सही समझे बालवीर, लेकिन थोड़ी देर से. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं. वो क्या है ना, शातिर की चाल ही ऐसी होती है, इससे कोई बच नहीं पाता. तुमने अपना वादा निभाया और हमने अपना. ये लो, मेरे 900 इंसानी चूहों के बदले तुम्हारी 3 चूहे. शुक्रिया म्याओ रानी,
अब तुम तीनों प्रचंडिका से बच नहीं पाओ। रुकिए, रुकिए मियाव रानी। धरती लोक से लाए हुए 900 चूहों में से एक चूहा कम है। क्या कह रहे हो तुम? ठीक से गिना है ना तुमने? जी हाँ, बार बार गिना है, सिर्फ 899 चूहे। एक चूहा कम कैसे है शातिर परी? यह संभव है मियाव रानी, मैंने खुद 900 बच्चों को चूहा बनाया है। मेरे साथ कोई शातिर चाल मत चलना शातिर परी, वरना तुम भी चूहा बना दी जाओगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद 900 चूहे बनाए हैं। सच झूठ मैं नहीं जानती। तुमने मुझे 900 इंसानी चूहे देने थे, पर एक कम है, और इसीलिए जब तक मुझे मेरे सारे चूहे नहीं मिलते, तब तक मैं तुम्हें ये 3 चूहे भी नहीं दूंगी। है तो ठीक, मैं जल्द से जल्द एक और इंसानी चूहा लाकर दूंगी। अब डॉक्टर झटकादन के झटका देने वाले इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्यारे गोलू मोलू। नहीं अंकल, नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए, मुझे सुई से बहुत डर लगता है अंकल। नहीं पापा, मैं अकेला हूँ, फिर कौन बोला? ये चूहा तो नहीं बोला, घटिया सोच, चूहा कैसे बात कर सकता है? अरे मैं मोंटू चूहा ही बोल रहा हूँ, अब क्या लिख के दू तभी मानोगे? ये आवाज कहां से आ रही है? लगता है मेरे दिमाग को भी झटका लग गया। रिंगू अभी मार डाला रे। सोमिक, स्टॉप स्टॉप, कौन है? हम है बच्चा पाची। हम तुम्हें यहाँ मासूम जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने से रोकना है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है? बेचारे जानवर कुछ बोल नहीं सकते, इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे? अरे नहीं, ये तो बोलता हुआ हाथी है, मतलब मोंटू बॉस है। तू चुप है। अब तो ये एक्सपेरिमेंट मैं करके रहूंगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं झटका दे के रहूंगा। महान डॉक्टर झटकानंद को तुम बच्चा पार्टी ने झटका दे दिया। अब मैं चूहे से पहले तुम्हें ये इंजेक्शन लगाऊंगा। ये इंजेक्शन लगने के बाद तुम क्या करोगी? चलो मोंटू बॉस। रोहित तू आ गया मुझे लेने, थैंक यू, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। वैसे आने का तो मन नहीं था मेरा, फिर सोचा पिज्जा बर्गर कौन खिलाएगा। बॉस पिज्जा बर्गर आपका वेट कर रहे, चलो 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 चलो। स्टॉप, तुम्हें क्या लगा तुम इतने आसानी से मेरा एक्सपेरिमेंट करने वाला चूहा यहाँ से भगा ले जाओगे? अरे भागने का और भगाने का इतना ही शौक है तो मेरे इस धुएं में से भाग के दिखाओ।
मोंटू बॉस, बॉस, अरे बॉस कहाँ गए? अरे मोंटू बॉस ये बड़ी। Oh my dear, Chua is here. अब मैं इसे इंजेक्शन लगाऊंगा और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करूंगा। बॉस, अरे मम्मी, तुमने झटका नन को झटका दे दिया। अब चुने के बाद मैं तुम पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। मोंटू, तुम मेरे इस रिमोट कंट्रोल कार में बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें झटका नन को छूने भी नहीं दूंगी। चलो मम्मी, मेरा एक्सपेरिमेंट। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब प्रचंड का और शातिर परी ने ही किया होगा। पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पास ऐसी जादुई कहानी सुनाकर चूहा बनाने की शक्ति होगी, और इसलिए हम भी उनकी चाल में फंस गए और चूहे बन गए। पर अब क्या करें, कैसे बचाए खुद को और बाकी बच्चों को? शातिर परी को ज्यादा समय नहीं लगेगा एक और बच्चे को चूहा बनाकर लाने में। चिंता मत कर, शातिर परी के आने से पहले हम सब बच्चों को यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। सच्चाई पहले भी जीती थी और आज भी जीतेगी। तुम वापस बालवीर कैसे बन गए? क्योंकि मैं उस मायावी तालाब में गिरकर चूहा बना ही नहीं था। हाँ बाल मित्र, मेरे ऊपर लगे सुरक्षा कवच की वजह से उस मायावी पानी का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, और इसीलिए मैंने तालाब से निकलकर वापस उस चूहा मल का पीछा किया। रुक जाओ, मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो वरना। रुक जाओ बालवीर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मित्र हूँ। मित्र? अगर विश्वास ना हो तो देख लो। तो तुम चूहे नहीं हो बल्कि एक आम इंसान हो। बालवीर, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि अब मियाओं प्रदेश में बुराई का सूर्य डूब कर ही रहेगा और फिर से एक अच्छाई और सच्चाई की नई सुबह होगी यहाँ। देखो पहलिया मत बुझाओ, मुझे सच सच बताओ कि तुमने बच्चों को चूहा क्यों बनाया? मियाओ रानी को धरती लोक के 900 इंसानी चूहे चाहिए ताकि वो उन्हें खा के अपना असली रूप पाकर अमर हो जाएं। पर उससे ये सब किया कैसे? वो तो धरती पर जा ही नहीं सकती। इस काम में उनकी मदद शातिर परी कर रही है। शातिर परी? दोनों में करार हुआ है कि शातिर परी मियाओ रानी को 900 इंसानी चूहे देंगी और मियाओ शातिर परी को उनके बाल सखी बाल मित्र और तुम्हें चूहा बना देंगी। पर तुम्हें ऐसा होने से रोकना होगा बालवीर,
वरना सिर्फ मियाओ प्रदेश ही नहीं पूरी धरती पर हर तरफ सिर्फ हाहाकार ही मच जाएगा। मियाओ रानी अपनी जादुई शक्तियों से सब पे जुल्म करने लगेंगी और कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? बस ये समझ लो कि अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ बालवीर। मैं चूहा मल मियाओ रानी का सेनापति था, उनको शक्तिशाली बनाने में मैंने भी उनकी मदद की थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उनके तीनों लोकों में सबसे बड़ा जादूगर बनने की इच्छा उन्हें इतना बुरा बना देंगी। मियाओ रानी अब पूरी तरह बुराई के रास्ते पे चल रही हैं। अब अगर उसे नहीं रोका गया तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन तुम्हारी वजह से उस मायावी नदी में गिरकर मैं भी चूहा बन सकता था। नहीं, मुझे पता था कि तुम्हारे सुरक्षा कवच की वजह से तुम मायावी नदी में गिरकर भी चूहा नहीं बनोगे, और मैं उसी का फायदा उठाकर तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। बालवीर, ये आखिरी मौका है हमारे पास मियाओ रानी को और उनकी बुराई को खत्म करने का। तो मुझे बताओ मियाओ रानी का अंत कैसे किया जा सकता है? बालवीर, यहाँ लगे सारे आईने जादुई हैं, और आप चाहे किसी भी रूप में हो ये जादुई आईने इंसान का असली प्रतिबिंब ही दिखाते हैं। लेकिन इन सब में एक आईना ऐसा भी है जिसके सामने मियाओ रानी को लाया जाए तो वो भस्म हो जाएंगी और सभी बच्चों पर उसका जादुई कहानी का मंत्र भी समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद सब बच्चे अपने रूप में वापस आ जाएंगे। तो चूहा बल, मुझे बताओ कि कौन सा है वो असली आईना? वो मैं नहीं जानता, तुम्हें अपनी बुद्धि से कोई युक्ति निकालकर उस जादुई आईने को ढूंढना होगा। और हाँ, मियाओ रानी को यहाँ कैसे लाना है उसकी युक्ति मैं ढूंढ लूंगा। तो ठीक है, अब जैसा मियाओ रानी चाहती है वैसा ही होगा। मतलब? मैं चूहा बनूंगा। घबराओ मत, मैं सच में चूहा नहीं बनूंगा, सिर्फ चूहे का रूप लूंगा। मियाओ रानी के सामने तुम मुझे चूहे के रूप में लेकर जाओगे, जैसे कि तुमने ही मुझे चूहा बनाया, और फिर तुम मियाओ रानी का विश्वास भी जीत लोगे, और फिर सही समय आने पर तुम उसे यहाँ लेकर आओगे। यूं समझ लो कि उसी के साथ रहकर उसी की चाल से मैं उसे मात दूंगा, इसलिए मैं चूहा बनकर तुम्हारे पास आया। लेकिन अब समय आ गया है बच्चों को बचाने का और मियाँ और रानी की बुराई को मिट्टी में मिलाने का। मियाँ और रानी, मियाँ और रानी! क्या बात है चूहामल, मेरी मीठी नींद खराब करने की कोई खास वजह है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मियाँ और रानी कि मुझे एक चूहा तहखाने के रास्ते में दिखा है, और मुझे उसकी खुशबू से लग रहा है कि वो पृथ्वी लोक से लाया गया चूहा ही था, इसलिए मैंने अपने सैनिक चूहों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है। और कितनी देर में ढूंढ लेंगे उस इंसानी चूहों को हमारे सैनिक? अब इतना बड़ा मियाओ प्रदेश है तो ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, पर मुझे आशा है कि हमारे तेज सैनिक चूहे उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। और मैं तब तक उस इंसानी चूहे के इंतजार में यहाँ नहीं बैठी रह सकती, मुझे जल्द से जल्द अपना रूप पाकर अमर होना है, इसीलिए उस चूहे को मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। चलो मेरे साथ। संभाल कर रोहित, मुझे नीचे गिराएगा क्या? मंटुबस, सॉरी मंटुबस, वो क्या है ना, आपके साथ मेरी हमेशा पिटाई ही हुई है ना, तो मंटुबस पहली बार जीत भी लिए, इसलिए मंटुबस मैं अपना डांस कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरा मजाक उड़ा रहे, उड़ा ले, मेरा भी टाइम आएगा। अच्छा, फिर तो हमारा टाइम है तेरी हवा टाइट करने का, और अगर ज्यादा बोला ना तो डॉक्टर झटकर आने के पास तेरे को छोड़कर आ जाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, तू भी क्या मोटे से छोटे से चूहे का मजाक नहीं समझती, तू जा। ओके, बाय बाय।
मोंटू बॉस, अब आप आराम से आ बैठो। कैसा आराम, भाग भाग कर बहुत जोर की भूख लग रही है। पूरा ना ही सही, पिज्जा का एक टुकड़ा ही खिला दो। हाँ हाँ मोंटू बॉस, मैं अभी पिज्जा खा कर आता हूँ, मतलब लेकर आता हूँ। मैंने आखिरी बार उस चूहे को यहाँ इस काल कोठरी के अंदर जाते हुए देखा था मियाँ रानी। तो समझ लो कि इस जगह पे वो इंसानी चूहा अपनी आखिरी सांस से लेगा। ए इंसानी चूहे, कहाँ छुपे हो, जल्दी बाहर आओ, मियाँ रानी तुम्हें खुद लेने आई है। सुना नहीं तुमने, बाहर आओ, मैं तुम्हारी खुशबू से तुम्हें ढूंढ सकती हूँ, तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे, बाहर आओ। बस तो आज तुम नहीं पाओगी मुझसे मियाँ रानी, आज तुम्हारा और तुम्हारे बुराई के साम्राज्य का अंत होकर ही रहेगा। चूहे नहीं बने बालवीर, कैसे, मतलब मेरे साथ धोखा किया गया है? क्यों किया तुमने ये चूहामल? क्या जाल बिछाया है तुमने बालवीर के साथ मिलकर मियां और रानी को फंसाने का? बोलो वरना आज मैं पहले तुम्हारा ही अंत करूंगी। बंद करने से भी तुम नहीं बचोगे चूहामल। प्रचंडिका और शातिर परी की बुराई का साथ देकर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सही तो तुमने यहाँ आकर नहीं किया है बालवीर, मैं 900 चूहे खाने से पहले तुम्हारा शिकार करूंगी। साधारण बिल्ली नहीं हूँ जिसे तुम अपनी बातों से डरा सकते हो बालवीर, मैं मियाँ रानी हूँ और जो भी मेरा रूप पाने में और तीनों लोकों में सबसे बड़ा जादूगर बनने के बीच में आएगा वो मेरे तेज पंजों से नहीं बचेगा। बाल बच गया आज तो मैं। वैसे भी ये असली बिल्ली नहीं है, ये तो एक सॉफ्ट टॉय वाली बिल्ली है। हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे ताकि तुझे पता ना चले कि डर क्या होता है और तू दूसरों बच्चों को ना डरा सके। समझ गया मैं, आज के बाद मैं कभी किसी को जानवरों से नहीं डराऊंगा। मतलब बाकी चीजों से डराएगा? अरे वो भी तब होगा ना जब मैं मोंटू बनूंगा। हाँ हाँ मोंटू, डोंट वरी, बालवीर बाल सखी और बाल मित्र गए उसे ढूंढने जिसे तुम्हें चूहा बनाया है, और उसे ढूंढकर सभी बच्चों को जल्द से जल्द चूहे से बच्चे बना देंगे। इस आईने के सामने जाने से भी मियाँ और रानी भस्म नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि वो जादू आईना नहीं। मुझे इस आईने को और हर उस आईने को भी साथ साथ नष्ट करना होगा जिसे मियाँ और रानी भस्म नहीं हो रही है, ताकि मैं मियाँ और रानी को दोबारा उसी आईने के सामने ना लेकर जाऊं। मेरे एक ही वार ने तुम्हें सोच में डाल दिया ना कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती मैंने नहीं तुमने की है मियाँ रानी, बच्चों को चूहा बनाकर। वाह!
जल गई पर बल नहीं गया। पहले वार से बच गए तुम बालवीर, पर अगले वार से नहीं बचोगे। थक गई या फिर तुम्हारे पंजों ने हार मान ली है? अगर हार नहीं मानी तो हार मान लो, क्योंकि तुम्हें जीतकर तो मैं यहां से नहीं जाने दूंगा। बालवीर, कौन जीत रहा है और कौन हार कर जमीन पर गिरा हुआ है? मुझे लगा था कि तुम एक खास योद्धा हो, तुमसे लड़कर मजा आएगा मियाँ रानी को, पर तुम भी मियाँ रानी के सामने एक बच्चे ही निकले। कितना खराब निशाना है तुम्हारा कि तुम्हारा एक भी वार मुझे छू भी नहीं पाया। मेरा निशाना चुका नहीं मियाँ रानी, क्योंकि मेरा निशाना तुम थी नहीं। मेरा निशाना तो ये आईने थे, क्योंकि मैं उस आईने को ढूंढना चाहता था जिसके सामने आकर तुम्हारा अंत हो सके, और देखो मुझे वो आईना मिल गया। हम ठीक हो गए, थैंक यू बालवीर, थैंक यू। अरे बॉस पागल हो क्या? चूहे से मोंटू बॉस बने तो कम से कम बचा तो दिया होता। अरे बेवकूफ, जब मैं मोंटू से चूहा बना था तब तुझे बता के बना था क्या? हाँ। अरे मोंटू बॉस कम से कम आपको नीचे तो रख देता। ये देखो, ऐसा लग रहा है मेरी 10 उंगली फ्रैक्चर हो गई है। ये तो खुश होना चाहिए, तेरा मोंटू बॉस वापिस आ गया है। और हमें तो दुखी होना चाहिए कि तुम वापस आ गए हो। नहीं 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 नहीं, तुम्हें भी खुशी होना चाहिए, तुम दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सची मुची दो दली। दीदियो, दो चार मीठे मीठे बोल क्या बोल गए, तुम तो हवा में चढ़ गए। जमीन पे रहो, जमीन पे, समझे? अरे फैक्चर, चल पिज्जा खा के आते हैं। बस देखा, पिज्जा का नाम लेते मेरी उंगलियां एकदम ठीक हो गई। वाह, अब लगा मोंटूबस वापस आ गए। अरे बॉस, अब बॉस मैं भी खाऊंगा पिज्जा। सलोनी, तुझे क्या लगता है? यही कि मोंटू कभी नहीं सुधरने वाला है। करेक्ट है। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया बालवीर,
अच्छा हुआ तुमने उस म्याओ रानी का अंत कर दिया, वरना हमें हमारा असली रूप कभी नहीं मिलता। शुक्रिया। नहीं बाल सर, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दोनों के साथ की वजह से ही मैं मियाँ रानी का अंत कर पाया। हम तुम्हारा साथ देने तो गए थे बालवीर, पर हमें माफ करना, आखिर में सारी लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ी। वही बाल में बालवीर कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ता, क्योंकि तुम्हारा बाल सखी का और पृथ्वी लोक के हर बच्चे का प्यार और उनकी दोस्ती हमेशा बालवीर के साथ है, और उन्हीं की वजह से बालवीर बुराई के हर दुश्मन को हरा पाता है। बालवीर आज हमें एक बहुत अच्छी सीख मिली, और वो ये है कि अगर हमने जोश में होश खो दिया तो सब कुछ खो दिया। हाँ, हमें तुम जैसा बनने में थोड़ा सॉरी बहुत वक्त लगेगा। मुझे बस एक मौका चाहिए प्रचंड का, इस बार कोई गलती नहीं होगी। प्रचंड का मौका नहीं सजा देती है हार कराने वालों को। मैं तो वही कर रही हूँ जो तुमने कहा था। अगर बालवीर का सर आपके कदमों में नहीं होगा तो मेरा सर आपके कदमों में होगा। यही कहा था ना तुमने, बस तुम्हारा सर मेरे कदमों में। मैंने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया, इसकी अवधि अब खत्म होती है, और उसी के साथ तुम भी खत्म। प्रचंडिका, कहा था आपने कि बनाओ क्या शातिरपुरी को चूहा भी, बनाइए ना इसको चूहा। तुम मेरे साथी हो या दुश्मन? मैं इस हाल में हूँ और तुम इसका आनंद उठा रहे हो? रुको, प्रचंडिका से माफी मिलने के बाद सबसे पहले तुम्हें चूहा बनाऊंगी। प्रचंडिका से तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी शातिर परी। कभी नहीं। मैंने कई बार कई बुरी परियों को बालवीर के सामने चूहा बनकर डरते हुए, लेकिन आज पहली बार वो देखा मैं अपनी आंखों के सामने किसी बुरी परी को सचमुच चूहा बनते हुए। ए, शातिर ये देखो। अरे अरे डरो नहीं, डरो नहीं, रखूंगा मैं शांति से इस पिंजरे के भीतर तुम्हें। माफ कर दो, माफ कर दो प्रचंडिका, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और जब तक मैं बाल वीर बाल सखी और बाल मित्र का अंत नहीं कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और मैं उन तीनों को कदमों में लाने के लिए सफल हो ही गई थी कि एक अच्छी शक्ति ने मेरा सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। आप तो सब जानती है ना कि मैंने कैसे कैसे इंतजाम किया था उन तीनों को आपके कदमों में लाने के लिए। एक बार क्षमा कर दो, तुम तो बुराई की महारानी हो, और मैं सेविका। दया कर अपनी सेविका शातिर परी पे प्रचंडिका। वैसे तो प्रचंडिका अपने बढ़ाए हुए कदम और ये हुए वार कभी पीछे नहीं लगती, लेकिन मेरे सबसे बड़े दुश्मन बालवीर और उसके साथियों को समाप्त करने की एक अच्छी कोशिश की थी। इस बात में चेतावनी देकर माफ करती हूँ। तुम्हें हराए बिना मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। अगली बार तुम्हारा सर मेरे कदमों में होगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा।
चलिए, हमें आपका बनाया ये नया जादुई यंत्र परिलोक तक पहुंचाना है, वो भी जल्दी से जल्दी। तो फिर रहस्यमय लोक के रास्ते से होकर चलते हैं तंत्र परी, वहाँ से परिलोक जल्दी पहुंच जाएंगे और परियों ने जो हमारे सम्मान में दावत आयोजित की है उसमें भी हम समय से शामिल हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है यंत्र परी, मगर जल्दी के चक्कर में रहस्यमय लोक के रास्ते से जाना ठीक नहीं है। वहाँ काली दानव रहता है जो बहुत खतरनाक है। आप तो डरी परी की तरह डर रही हैं तंत्र परी। कुछ नहीं होगा, चलिए। ठीक है। जल्द से जल्दी यंत्र लेकर परिलोक जाइए। हम आपको ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते यंत्र परी।